Hello dear students, I am Ruchika from English Academy. So today we learn a lesson in English for students of class 9th. This chapter is from your Moments book. The name of the chapter is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन. ये जो कहानी है ये टोटो की कहानी है. टोटो एक मंकी का नाम है. ऑथर के ग्रैंडफादर ये मंकी एक टोंगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे और इस मंकी ने टोटो ने राइटर के घर में क्या क्या करामाते की, क्या क्या कुछ किया, यही सब यहाँ पर स्टोरी में राइटर हमें बता रहे हैं. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट टोटो एंड हिज एडवेंचर्स. Let us begin with the chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब हम सबको बड़ी हैरानी लग रही होगी कि सिर्फ 5 रुपए में उन्होंने एक मंकी खरीद लिया. तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी बहुत पुरानी है और उन टाइम्स में रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसलिए 5 रुपए में राइटर के ग्रैंडफादर ने एक मंकी खरीदा एक टोंगा ड्राइवर से. Who is a Tonga driver? A person who drives a horse cart. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में टांगा कहते हैं. टांगा चलाने वाला is a Tonga driver. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. What is a feeding trough? Feeding trough is a large container for feeding animals. Here you can see in this picture, this is a feeding trough. इसमें पानी या खाना कुछ भी डाला जाता है जानवरों के खाने के लिए. यहां से हमें ये भी पता चलता है कि राइटर के ग्रैंडफादर के घर में एक प्राइवेट जू था. उन्हें अलग अलग एनिमल्स को पेट बना के रखने का शौक था, इसीलिए उन्होंने ये मंकी भी अपनी कलेक्शन में ऐड किया. राइटर ये कहते हैं कि ये जो टोंगा ड्राइवर था इसने इस मंकी को, टोटो को, इस ट्रफ के साथ बांध के रखा हुआ था. क्यों बांधा हुआ था उसने? क्योंकि ये मंकी बहुत शरारती था और उसको डर था कि ये कहीं भाग ना जाए. और जब राइटर के ग्रैंडफादर ने ये देखा तो उन्हें लगा कि ये मंकी यहाँ के लिए फिट नहीं है, मैं इसे घर ले चलता हूं और अपने जू में इसे रखूंगा. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. यहाँ पर राइटर हमें टोटो की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. He says Toto was a pretty monkey. बहुत ही सुंदर सा बंदर था वो. उसकी शाइनिंग आईज थी, ब्राइट आईज दैट शोन विद मिस्चिफ, तो शरारत से भरी हुई चमकीली आंखें थी, और उसकी आईब्राउज डीप सेट थी, यानी कि चेहरे के अंदर गढ़ी हुई थी. आपने कभी अगर किसी मंकी को ध्यान से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी आईब्राउज तो रेज होती हैं और उनकी आंखें ऐसे लगता है कि अंदर उसके चेहरे में गढ़ी हुई हैं. तो ऐसी ही टोटो की भी थी, और उसके दांत एकदम व्हाइट कलर के थे, ऐसे लगता था पर्ल्स जैसे हैं. और जब भी वो स्माइल करता था तो उसके दांत दिखते थे, और वो इतना शरारती था कि उसे देख के जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो डर जाती थी. व्हाट इज एंग्लो इंडियन? अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया. ऐसे लोग जिनकी लीनिएज, जिनके एंसेस्टर्स ब्रिटेन और इंडिया दोनों को बिलोंग करते हैं, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं. तो हो सकता है कि राइटर के आसपास ऐसे लोग होंगे उनके रिलेटिव्स में, उनके फ्रेंड्स में, जो कि एंग्लो इंडियंस होंगे, और जब भी वो टोटो को देखते थे तो वो डर जाते थे. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स. पिकल्ड मींस फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर. हम सबको पता है पिकल क्या होता है, अचार. बट आप किसी भी सब्जी को, किसी भी खाने की चीज को अगर विनेगर में डाल के धूप दिखाकर प्रिजर्व कर दें तो उसे कहते हैं पिकल्ड वेजिटेबल. यहां पर राइटर कह रहे हैं कि टोटो के हाथ इतने सूखे हुए थे, ऐसे लगता था कि उन्हें भी
धूप में सुखाया हुआ है। अब अगर आपने कभी किसी पिकल्ड वेजिटेबल को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी सरफेस पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं और उसकी सरफेस थोड़ी इकट्ठी हुई होती है। तो यहां पर राइटर टोटो की स्किन को पिकल्ड वेजिटेबल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि टोटो के हाथों की स्किन के ऊपर भी बहुत सारे रिंकल्स और लाइंस थी और ऐसे लगता था कि उन्हें धूप में सुखाया हुआ है। और रेफरेंस के लिए मैंने ये इमेज भी डाली है एक मंकी के फेस की, और आप देख सकते हैं इसकी स्किन पर कितनी सारी लाइंस और झुर्रियां हैं। दैट इज व्हाट द राइटर वांट्स टू से अबाउट टोटो। लेट अस रीड फर्दर। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Scooping up means lifting, किसी चीज को उठाना। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि टोटो की उंगलियां बहुत तेज थी, बहुत शरारती थी और उसकी जो पूंछ थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी। और राइटर के ग्रैंडफादर का ये मानना था कि किसी के भी अगर पूंछ लगी हो तो वो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली दिस इज समथिंग ह्यूमरस, हमें हंसाने के लिए राइटर ऐसा लिख रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि टोटो की टेल की एक खासियत थी, वो उसका तीसरा हाथ भी थी। कभी तो टोटो अपनी टेल की मदद से किसी भी पेड़ की टहनी के साथ लटक कर नीचे गिर जाता था तो उसकी जो ये टेल है वो उसे सहारा भी देती थी। और कभी कभी वो क्या करता था, आराम से बैठा हुआ है, उसे दूर पड़ी कोई चीज अगर उठानी है तो वो क्या करता था, अपनी टेल के साथ उस चीज को उठा लेता था और इसीलिए उसकी टेल उसका थर्ड हैंड भी थी। देन द राइटर सेज, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट मींस गुस्सा करना। तो जब भी राइटर के ग्रैंडफादर कोई नया जानवर या चिड़िया लाते थे अपने जू में ऐड करने के लिए तो उसकी ग्रैंडमदर को वो चीज पसंद नहीं होती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादाजी ने ये डिसाइड किया कि दादी माँ को ये नहीं बताएंगे कि वो एक नया पेट लेकर आए हैं, वो टोटो को घर पर लेकर आए हैं। तो ये फैक्ट उनसे छुपा कर रखा गया। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely or so we thought to a peg fastened into the wall. Peg is a hook. Here you can see, जैसे आप नेल या खूंटी कहते हैं, तो जैसे कि राइटर ने और उसके दादाजी ने ये सीक्रेट रखना था दादी से कि वो घर में टोटो को लेकर आए हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसे हम एक छोटी सी जो अलमारी है राइटर के कमरे की दीवार में उसमें छुपा देते हैं। तो उन्होंने एक खूंटी के साथ बड़े ही अच्छे से टोटो को बांध दिया और उन्हें ये पक्का विश्वास था कि टोटो वहां से कहीं नहीं जाएगा और वो आराम से वहीं पर बैठा रहेगा और उनका सीक्रेट बना रहेगा। लेकिन हुआ क्या, आइए देखते हैं। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Ornamental means something which is decorative, ek sajavati paper. Naked means uncovered. अगर आप किसी चीज का कवर हटा दें तो वो नेकेड हो जाती है। अब टोटो काफी देर से उस क्लोजेट में बंद था तो राइटर और उनके ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो जाकर चेक करते हैं टोटो क्या कर रहा है। तो जब वो वापस गए तो उन्होंने क्या देखा, कमरे की दीवारों पर एक सजावटी पेपर लगा हुआ था लेकिन अब वो वहां पर नहीं था और दीवारें नेकेड थी, अनकवर्ड थी और उन्हें ब्रिक और प्लास्टर यानी कि जो पेपर के पीछे की दीवार थी वो दिखाई दे रही थी। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. Wrenched means broken, socket is an attachment and shreds means cut into thin slices. तो अब राइटर और उसके ग्रैंडफादर शॉक्ड थे जब उन्होंने देखा कि कमरे में टोटो ने
आतंक मचाया हुआ है। उसे जिस खूंटी से उन्होंने बांधा था वो अपने अटैचमेंट से टूटी हुई थी और राइटर का स्कूल ब्लेजर जो वहां पर हैंग हो रहा था उसे टोटो ने बुरी तरह से फाड़ दिया था। तो टोटो ने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था, सारा वॉलपेपर फाड़ दिया था, राइटर का कोट भी फाड़ दिया और अपनी खूंटी से अपने आप को आजाद करके वो इधर उधर भाग रहा था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब राइटर के ग्रैंडफादर भी थोड़े शरारती टाइप के हैं। उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी कि टोटो ने इतनी बर्बादी की है और राइटर की दादी उनको गुस्सा करेगी, बल्कि वो खुश थे ये देखकर कि टोटो इतना शरारती है। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो ग्रैंडफादर ने कमेंट किया कि टोटो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है, अगर हम इसे थोड़ा सा और वक्त देते तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के जो टोन पीसेस हैं, जो उसने फाड़ा है तुम्हारा ब्लेजर, उन पीसेस को आपस में बांध कर एक रस्सी बना लेता और खिड़की से उसे नीचे लटका कर यहां से भाग जाता। तो ग्रैंडफादर एक तरह से टोटो की प्रेज कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि टोटो बहुत स्मार्ट है और ये चीज देखकर वो बहुत खुश हैं। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Sociably means in a friendly manner, miljul kar. Abhi bhi ghar mein ek monkey aaya hai, Toto aaya hai, ye baat ek secret thi, dadi maa ko ye cheez nahi batai gayi thi. Aur writer ke grandfather ne ye faisla liya ki hum Toto ko shift kar dete hain. और उसका नया रेजिडेंस क्या था? सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में उन्होंने सोचा कि हम टोटो को बंद करके रख देते हैं। और उसी जगह पर राइटर के दादाजी का जू था जहां पर बहुत सारे अलग अलग जानवर रहते थे। कौन कौन से जानवर थे आइए पढ़ते हैं। अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। तो राइटर के ग्रैंडफादर के जू में ये सब एनिमल्स थे। एक टॉर्टोइस था, रैबिट्स का एक पेयर था यानी कि दो रैबिट्स थे, एक स्क्विरल यानी कि गिलहरी थी और एक बकरी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। टोटो इतना शरारती था कि उसने पूरी रात इन सब जानवरों को सोने नहीं दिया, वो शरारतें करता रहा, मे बी आवाजें कर रहा था, और इसीलिए अगले दिन राइटर के ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। राइटर कहते हैं कि उनके दादाजी देहरादून छोड़कर सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। पेंशन क्या होती है? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे। तो वो ये पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं इसे भी अपने ही साथ ले जाता हूं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। राइटर कहते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ इस ट्रिप पर नहीं जा सके, लेकिन बाद में उनके दादाजी ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। और कहानी क्या थी? अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो टोटो को एक बड़े से कैनवस के बने हुए बैग में रख दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मींस होम। इस बैग में नीचे कुछ घास फूस बिछा दी गई और उसके ऊपर टोटो को रख दिया गया, जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं। और ये जो बैग है कुछ दिनों के लिए ये टोटो का नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. जब दादाजी ने इस बैग के ऊपर से जिप बंद कर दी तो टोटो इस बैग में से भाग नहीं सकता था, वो इसमें बंद था। और जब जिप बंद कर देते हैं तो जो थोड़ा सा बैग का हिस्सा खुला रह जाता है उसमें से भी टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। और बैग का जो मटेरियल था
कैनवस मटेरियल वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मजबूत था, इसीलिए उन्होंने ये बैग चूज किया था ताकि टोटो उसे काट के फाड़ ना दे और वहां से भाग ना जाए। तो दादाजी ने सारी प्रिकॉशंस यूज की थी टोटो को सिक्योरली कैरी करने के लिए। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बैग चुना, उसकी जिप बंद कर दी ताकि किसी भी तरह से टोटो उनके पास से भाग ना सके। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. दादाजी ने टोटो को तो कस के बैग में बंद करके रखा हुआ था, लेकिन टोटो तो कोशिश कर रहा था, वो बार बार कोशिश करता था इस बैग में से निकलने की। तो उसकी वजह से क्या होता था, कभी तो बैग फर्श पे जब पड़ा होता था तो वो रोल करने लग जाता था। जब ये बैग दादाजी के कंधे पर हैंग हो रहा होता था तो ऐसे लगता था कि बैग उछल रहा है, और ये चीज बहुत ही अजीब थी। और इस चीज को देखकर प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो दादाजी की तरफ घूरने लग जाते थे, और उन्हें लगता था कि पता नहीं इन्होंने अपने बैग में ऐसा क्या रखा है जो कभी तो इनका बैग हवा में उड़ने लग जाता है, कभी जमीन पर रोल होने लग जाता है। तो सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि इस बैग में क्या है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट व्हाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. What is a turnstile? Turnstile is a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through. Please see this image. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, this is called a turnstile. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेडी एक पैसेंजर है, इन्होंने एक कार्ड यहाँ स्लॉट में इंसर्ट किया और ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ बेंड हो गई। उससे पहले ये रॉड हिल नहीं सकती थी, कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता, कोई भी यहाँ से पास नहीं कर सकता। तो ऐसी जो मशीन होती है जो एक ही इंसान को एक बार में क्रॉस करने देती है और उसमें ऐसी बार्स लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड अ टर्नस्टाइल। तो बहुत सारी जगहों पर, खासतौर पर रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर आपको ये देखने को मिलेगी। तो सहारनपुर तक तो टोटो आराम से बैग में ही रहा, लेकिन वहां पर रेलवे स्टेशन पर जब दादाजी अपनी टिकट निकाल रहे थे इस टर्नस्टाइल में एंटर करने के लिए, तो अचानक से टोटो ने क्या किया, इट पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। पोक मीन्स बाहर निकालना, उसने अचानक से बैग में से अपना सिर बाहर निकाला और वहां पर जो टिकट कलेक्टर खड़ा था उसे एक बहुत बड़ी सी स्माइल दी। ग्रिन इज अ स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड। जब अचानक से आप कोई चीज देखते हैं और एकदम से हैरान हो जाते हैं, दैट इज टेकन अबैक। पुअर मैन यहां पर कौन है, द टिकट कलेक्टर। राइटर कहते हैं कि जब टिकट कलेक्टर ने देखा कि दादाजी के बैग में तो एक जानवर है, वो शॉक था, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। लेकिन ये टिकट कलेक्टर ने अपना दिमाग चलाया और उसने दादाजी को कहा कि सर आप एक डॉगी को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। Annoyance means to anger someone. टिकट कलेक्टर की यह बात सुनकर दादाजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Vain means an unsuccessful attempt. जब आप किसी चीज की कोशिश करते हैं लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, that is vain. आपका attempt waste जाता है, that is vain. Quadruped is an animal which has four feet. चार टांगों वाले जानवर को quadruped कहते हैं। अब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश की कि भाई ये टोटो जो मेरा जानवर है ये एक बंदर है, ये डॉग नहीं है।
और उन्होंने उसे ये भी समझाने की कोशिश की कि एक बंदर और डॉग में बहुत फर्क होता है। डॉग चार टांगों पर चलता है लेकिन बंदर सिर्फ दो टांगों पर चलता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। फेयर इज द टिकट प्राइस, जितने पैसे आपको पे करने पड़ते हैं टिकट लेने के लिए। लेकिन फिर भी टिकट कलेक्टर दादाजी की बातों से कन्विंस नहीं हुआ और उसने कहा कि नहीं, ये डॉग की कैटेगरी में ही आता है और अगर आप इसके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इसकी टिकट लेनी पड़ेगी जो कि 3 rupees की है। तो दादाजी को टोटो के लिए एक टिकट लेनी पड़ी। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" First of all, let us see the meaning of to get his own back. To get his own back का मतलब है to take revenge, बदला लेने के लिए। अब grandfather बहुत गुस्से में थे, वो annoyed थे क्योंकि ticket collector ने कहा कि उनका जो monkey है Toto, वो एक dog है। और इसलिए बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना पेट टॉर्टोइस निकाला, वो उसे भी लेकर ट्रेवल कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने टिकट कलेक्टर से पूछा कि तुम हर जानवर की टिकट के पैसे ले रहे हो तो इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। प्रोडेड मीन्स पुश्ड। अभी जो टिकट कलेक्टर है उसने इस टॉर्टोइस को थोड़ा सा हाथ लगाया और उसे धक्का दिया। एंड ट्रायम्फेंट मीन्स विक्टोरियस, और एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल देते हुए उसने ग्रैंडफादर को कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है। इस जवाब ने ग्रैंडफादर को और भी ज्यादा एंगर कर दिया, उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, बिकॉज इवन टोटो वॉज नॉट अ डॉग बट ही चार्ज्ड 3 rupees फॉर टोटो। When टोटो was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. Stable is a building set apart and adapted for keeping horses, जिसे हम हिंदी में तबेला कहते हैं। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि फाइनली जब दादी माँ को पता लग गया कि उनके घर में एक नया जानवर है, टोटो है, तो उन्होंने टोटो के रहने के लिए स्टेबल में जगह बना दी और उसे फैमिली डोंकी नाना के साथ रहना था। तो ग्रैंडफादर के जू में एक डोंकी भी था जिसका नाम था नाना, और अब से टोटो नाना के साथ स्टेबल में रहता। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. What is a halter? Halter is a strap or rope placed around the head of a horse or other animal used for leading or tethering it. टेदरिंग मीन्स बांधना, टाई करना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके गले में रस्सी बांधी जाती है उन्हें गाइड करने के लिए या उन्हें कहीं पर बांधने के लिए, इस रस्सी को हॉल्टर कहते हैं। तो ऐसी ही रस्सी नाना के गले में भी बंधी हुई थी। अब जब रात के टाइम दादाजी स्टेबल में गए चेक करने के लिए कि क्या टोटो कंफर्टेबल है, तो उन्होंने देखा कि नाना बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस थी और उन्होंने क्या देखा कि नाना अपनी रस्सी को खींच रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि जो हे का बंडल पड़ा हुआ है वो उससे दूर रहे। हे क्या होती है? सूखी हुई घास और स्ट्रॉ जिसे जानवर खाते हैं। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ही हैड फास्टन्ड ऑनटू हर लॉन्ग इयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। Haunches means the back. अब जब ग्रैंडफादर ने देखा कि नाना इतनी रेस्टलेस है, उन्होंने उसकी बैक पर एक थप्पड़ मारा और नाना पीछे की तरफ झटका देकर हिली और साथ ही साथ टोटो भी उसके साथ खींचता चला आया। एक्चुअली हुआ क्या था, टोटो ने नाना के कान पकड़ लिए थे और वो उसके कान को अपने दांतों से बाइट कर रहा था, इसलिए नाना इतनी रेस्टलेस थी।
और राइटर कहते हैं कि टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. अब जब सर्दियों का मौसम था तो टोटो की सबसे मनपसंद चीज क्या थी? राइटर की दादी माँ उसे एक बहुत बड़ा गर्म पानी का बाउल भरकर देती थी जिसमें टोटो नहाता था. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब टोटो के बहुत नखरे थे तो वो ऐसे शो करता था कि वो पहले पानी का टेम्परेचर चेक कर रहा है. Cunningly means in a selfish way, वो ऐसे एक्ट करता था कि उसे अपनी बड़ी फिक्र है तो वो पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता था और फिर पहले अपना एक पैर पानी में डालता था और फिर दूसरा पैर पानी में डालता था. राइटर कहते हैं कि ऐसे ही टोटो ने उन्हें नहाते हुए देखा था और वो उनकी कॉपी करता था और फिर वो आराम से इस टब में बैठकर नहाता था. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself over. जब टोटो आराम से बैठ जाता था फिर वो सोप लेकर अपनी पूरी बॉडी पर रब करता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो फिर टोटो टब में से भागता था और किचन में जो फायर जग रही होती थी जहां पर खाना बन रहा होता था वहां पर जाके अपने आप को सुखाता था. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर उसे ऐसा करते देख कोई हंस पड़ता था तो टोटो को बहुत बुरा लगता था, उसका दिल दुख जाता था और फिर वो नहाना छोड़ देता था. तो इस सब से क्या पता लग रहा है? टोटो के बहुत सारे नखरे हैं, वो बहुत ज्यादा शरारती है, वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब राइटर एक और इंसिडेंट बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टोटो ऑलमोस्ट उबलने वाला था. टोटो ने ऐसा क्या किया, आइए पढ़ते हैं. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन किचन में गैस पर एक केटल में पानी पक रहा था चाय बनाने के लिए और टोटो के पास और कोई काम नहीं था तो उसने क्या किया, उसने इस केटल का ढक्कन हटाया. फाइंडिंग द वॉटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. जब टोटो ने पानी में हाथ डाला तो उसे लगा कि हाँ ये पानी तो बहुत वार्म है, मैं इसमें नहा सकता हूँ और उसने इस केटल में जंप लगा दी और उसका सिर सिर्फ बाहर निकला हुआ था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वॉटर बिगैन टू बॉइल. अब धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था और फाइनली वो उबलने लग गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. जब टोटो को पानी थोड़ा गर्म लगा तो उसने सोचा कि बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं 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 बाहर तो बहुत ठंड है, इसलिए वो वापस से केटल में ही घुस गया. ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. अब टोटो केटल में यही कर रहा था, कभी तो वो केटल के अंदर घुस जाता, कभी उसे गर्म ही लगती तो वो बाहर निकल आता, लेकिन वो केटल के बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर भी ठंड है, तो वो ऐसे ही इसमें छलांगे लगा रहा था. तभी राइटर की दादी माँ वहां आई और उसने टोटो को इस केटल से बाहर निकाला. हॉल्ड हिम मीन्स पुल्ड हिम आउट. उन्होंने टोटो को पानी में से बाहर निकाला और तब उन्होंने देखा कि टोटो ऑलमोस्ट उबलने वाला था. इतने गर्म पानी में वो बैठा हुआ था कि उसकी स्किन ऐसे लग रहा था कि उबल गई है. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. राइटर कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक स्पेशल हिस्सा होता है जो हमारी शरारत करने की कैपेसिटी को गवर्न करता है तो टोटो के दिमाग का ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा डेवलप था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स इनटू पीसेस. व्हेनेवर वन ऑफ माय आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टियर अ होल इन इट.
टोटो बहुत शरारती था। जब भी राइटर की कोई भी आंट टोटो के पास आती थी तो वो कोशिश करता था कि उसके कपड़े फाड़ दे और उनमें छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। एक दिन लंच के समय राइटर के डाइनिंग टेबल पर पुलाव का एक बहुत बड़ा डिश रखा हुआ था। जब सब लोग आए खाना खाने के लिए तो उन्होंने देखा कि टोटो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और ये राइस खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। राइटर की दादी ने जब ये देखा तो वो जोर से गुस्से से चिल्लाई और टोटो ने क्या किया, उसने एक प्लेट उठाकर उनके ऊपर गेरी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वॉटर इन द फेस। जब राइटर की एक आंट गई टोटो को पकड़ने के लिए तो उसने क्या किया, पानी का एक ग्लास उनके चेहरे पर फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब राइटर के दादाजी वहां पर आए तो टोटो ने क्या किया, उसने ये डिश उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. तो सब लोगों ने जब टोटो को ढूंढा तो उन्होंने क्या देखा कि जैक फ्रूट के पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है और पुलाव की भरी हुई डिश उसके हाथ में है। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरी दोपहर टोटो वहीं बैठा रहा और खाता रहा। उसने ये पक्का इरादा किया हुआ था कि वो सारे चावल फिनिश करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. What do we mean by spite? Spite means a desire to hurt, annoy or offend someone. जैसे कि राइटर की दादी माँ टोटो पर चिल्लाई थी इसलिए टोटो उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता था, उन्हें दुखी करना चाहता था और इसीलिए उसने क्या किया, जब उसने सारे चावल खा लिए तो उसने उस डिश को पेड़ से जोर से नीचे गिरा और डिश टूटकर चकनाचूर हो गई। चैटर्ड इज द साउंड मेड बाय मंकी। जब वो बंदर ऐसा काम कर रहा था, वो दादी माँ को गुस्सा दिलाना चाहता था, उन्हें तंग करना चाहता था, तो वो ऐसी चैटरिंग की साउंड बना रहा था। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. So finally, the writer says, टोटो इतना ज्यादा शरारती था कि बहुत दिन तक वो लोग उसे अपने घर पर नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट। फाइनली उनके दादाजी को भी ये रियलाइजेशन हुई कि अब वो टोटो को अपने घर पर नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। वेल टू डू मींस वेरी वेल्दी, बहुत सारे पैसे होना। राइटर कहते हैं कि हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि टोटो द्वारा किए गए नुकसान की बार बार भरपाई कर सकते। वो बार बार हमारे बर्तन, कपड़े, कर्टन्स, वॉलपेपर्स फाड़ देता था, तोड़ देता था। इसलिए ग्रैंडफादर ने ये फैसला लिया कि वो टोटो को घर पर नहीं रखेंगे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो फाइनली ग्रैंडफादर ने वही टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था और 3 रुपए में उन्होंने टोटो उसे वापस बेच दिया। ग्रैंडफादर ने टोटो खरीदा था 5 रुपए में, लेकिन वो इतने डेस्परेट थे उससे जान छुड़ाने के लिए कि उन्होंने 3 रुपए में भी इसको वापस इस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। If you have any questions, please feel free to write in the comments box. Thank you for watching this video. And for more videos, please subscribe to our channel, English Academy.